Chàng càng xuống bán trang xuống chàng bang 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 chàng xuống अरे कर तब समझ के नहीं समझा मैंने खूब समझा भाई इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य वालों बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर है ना वो अद्भुत गाना समझ नहीं आ रहा था फिर भी माँ मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग किया जा रहा था वाह क्या बात है यदि हाँ दीजिए बात Thank you.
उससे हम कि मेरे ख्याल से आपका प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब मैं आवाज दूंगा लखनऊ से हमारे आए हुए कलाकार एसपी चौहान म्यूजिकल ग्रुप के लोगों को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा इस मंच पे। 10 मिनट का वक्त लिया है इन्होंने, इनका कहना है कि 10 मिनट में यदि मैंने आपका मनोरंजन नहीं किया तो आप बिल्कुल आप मंच से मुझे हटा सकते हैं, उतार सकते हैं। इनके जो सिंगर हैं वो आ चुके हैं और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति आरंभ करें। सभी लोगों का और यहां पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं, आपको अभिनंदन कर रहा हूं। और जितने हमारे भाई बंधु हैं जरा एक जोरदार तालियां बजाकर हमें आप आशीर्वाद दे दें, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप नेपाल की तरफ थे, सिक्किम की तरफ थे, वहां की भाषा आप देख रहे थे और परम श्रद्धे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने मुझे समय दिया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अब आपको मैं भोजपुरी की तरफ लेकर चला हूँ और चूंकि भगवान बुद्ध की बड़ी सुंदर सी प्रतिमा लगी है पीछे तो उनके चरणों में 2 शब्द कहते हुए और उसके बाद उस रंग में आ जाऊंगा, कहना है देश हमारा शंकर के वरदान सुनो।
अवतार लिए बुद्ध भगवान सुनो बल बेदी पर मरना कटना हर मनई के काम सुनो के गूंजे बल बेदी पे बलिदानी जवानी जो या जाती में दिया कहना है कि किसका ये बाग है किसका ये बगीचा है प्रश्न उठता है कि किसका ये बाग है किसका ये बगीचा है इतना बता दे कौन खून से रसीचा है जवाब मिला कि बाग मजदूरों का किसानों का बगीचा है इसे शहीदों ने अपने खून से रसीचा है देख तेरे बाग में दुश्मन नारे घुसने पाए कि देख तेरे बाग में दुश्मन नारे घुसने पाए अब फूल तो फूल है कांटा न उठाने पाए कि उठाने न पाए कहीं झुकने न पाए झंडा हिंदुस्तान का झुकने न पाए और इस जिस गीत को मैं आपको इस बीच में रखने जा रहा हूँ ये तमाम महोत्सवों में मैंने गाया राष्ट्रपति भवन में भी इस गीत को गाया बड़ा आशीर्वाद मिला और आज आपके बीच में इस गीत को रखने जा रहा हूँ अगर अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद आपका चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद यही गाना चिड़िया बाटे मोरे हिंदुस्तान
सारी ऋतुएं यहाँ पर मिलती हैं, हर तत्व तो यहाँ पर पैदा होता है। ये हमारा हिंदुस्तान, ऐसा हिंदुस्तान ऐसा कहीं विश्व में नहीं मिलता है। ये कहा है कि अरे कैसे मारोगे इस दिल में बैठे हुए श्री राम को।
कहना है कि जहां पे जन्मे भोले
मेरे गम का मिजाज बन जाओ। मैं उड़ाती हूँ प्रेम का गुलाल, तुम खुशियों की शाम बन जाओ। Thank you.
तेजस्वी चौहान सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो कहते हैं ना कि मोमेंट ऑफ द डे, अगर किसी कार्यक्रम तो हमने आज पूरे दिन में देखा है, तलाशा है तलाशा है, तो वो कार्यक्रम रहा है एसडीएम इकोना सौरभ दुबे सर का। जी हाँ, बहुत लोग सोच रहे हैं यार मैं तो था नहीं, ये बोल क्या रहे हैं ये, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं थे उनके लिए एक बार फिर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। और ये बात बताऊ मैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था यहाँ पर, आप बता सकते हैं कौन? जी हाँ, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर बैठी हुई है, वो उनके उस आयोजन में नहीं थी और ये उनका सौभाग्य है कि सर स्टेज पे आ रहे हैं, वो सामने दर्शक दीर्घा में बैठी हुई श्रोता है। अद्भुत संयोग है कि आप प्रशासनिक विभाग में हैं, आप न्याय विभाग में हैं, कैसे नियुक्ति होगी ईश्वर जाने भगवान जाने। मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा और पहले आप बता दें सर गॉड क्या लेना है आपको, गाना कौन सा है? इसके पश्चात कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है, बहुत सारे कवि हमारे बीच में बैठे हुए हैं और मन में गुदगुदी हो रही होगी कि बस आने वाले वक्त में हमें स्टेज पर उतरना है। उसके पहले आदरणीय एसडीएम साहब, थैंक्स लॉट। अभी थोड़ी देर पहले मैं मैंने इस गाने को गाया था, मेरे सामने सुनाई गाएंगे तो मुझे जो है गाएंगे कुछ गाते भी हैं। दिल में मेरे I'm not afraid to die।
जी हाँ जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया है इस डी अवसर में। और वक्त का कारवा बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में सीडियो साहब का आदेश हुआ था कि कुछ कवि हैं, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रतिभा मिश्र जी को। और हमारे पास मात्र 15 मिनट का वक्त है, इस 15 मिनट में 3 कवियों को हमें सुनना है, जानना है, समझना है। जी हाँ, ठीक 8 बजे तक हमें 3 कवियों को यहाँ पर सुनना है। उसके पश्चात फैजाबाद से जो यस म्यूजिकल ग्रुप के लोग आए हैं उनके आधे घंटे की प्रस्तुति है। और वेद शिरोमणि राजा सुहेल देव की धरती को प्रणाम करती हूँ, आप सभी श्रुति श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाकर मुझसे जुड़ने का प्रयास करिए। मैं चाहती हूँ कि जितनी देर में पढ़ूं आप उससे जुड़े रहिए, मैं आपसे जुड़ी रहूं, क्योंकि मां सरस्वती का
बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। और अगले हमारे कवि हैं नीरज शुक्ला, और साथ में पता नहीं क्यों किसने नालायक रख दिया है। तो नीरज शुक्ला नालायक जी, कृपया आप तत्काल मंच पे आ जाए और 5 मिनट का वक्त आप हमसे ले सकते हैं, क्योंकि अगला कार्यक्रम हमारा। श्रावस्ती के इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं नीरज नालायक, यदि कोई काम लायक बात कर जाऊं तो आप लोग एहसास दिलाइएगा अपनी तालियों के माध्यम से। अपने जिले के लिए 4 लाइन में बोलता हूं कि हम याद करें उस कर्नल को जो हम लोगों की हस्ती है, हम याद करें उस कर्नल को जो हम लोगों की हस्ती है, प्राणों की आहुति दे डाली ये उस सुशील की बस्ती है, पौराणिकता इसमें भरी पड़ी, इतिहास बताता है हमको लौकुश की जन्मभूमि अति पावन श्रावस्ती है, लौकुश की जन्मभूमि अति पावन श्रावस्ती है। मित्रों, अपने श्रावस्ती के लिए जोरदार तालियां आप लोगों से चाहूंगा मैं, और जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ अवधि कविता के लिए, अवधि कविता आप लोगों के बीच पढ़ूंगा। यदि कहीं आप लोगों को लग जाए कि कुछ मेरे द्वारा हो गया है तो एहसास दिलाइएगा कि सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने से ध्याय के, सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने से ध्याय लिए हो, छपरा छानी उठवावक में गुटका गवाए बलवाए लियो, हो इनके निवास पाने दुकान बैठे बक्षल्ले मार रहे, हो अपना दुई कौड़ी खोए गए अब नौ की पीढ़ी उतार रहे। मित्रों, मेरे गृह जनपद श्रावस्ती में जब मुझे भरपूर आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आ रहा, खामोशी से आप लोग बैठे हुए हैं, एक बार पूरा सदन तालियों का महोत्सव करते इस श्रावस्ती महोत्सव में। पर सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो थाने से जाए लियो, छपरा छानी उठवावे खोए गुटका खवाए बलवाए लियो, इनके निवास पाने दुकान बैठे बक्षल्ले मार रहे, हो अपना दुई कौड़ी खोए गए अब नौकी पीढ़ी उतार रहे, मुम्मा कमला पसंद भर का ये कच 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 ऊंचा थाने, और ये पीच इधर ये पीच इधर ये भज 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 गलत है, तो कुछ मुद्दा पर चर्चा करते तो कुछ बिन मुद्दक चिल्लाए रहे, सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने से ध्याय लियो। आगे देखिएगा स्थिति मित्रों, गलती तो इनके है ये है तब्बे तो मट्टी तेल भय, गलती तो इनके है ये है तब्बे तो मट्टी तेल भय, और चचा मुलायम साथ दिन एक दर्जा ना फेल भय, तो डिग्री धारी बेरोजगार, डिग्री धारी बेरोजगार कुछ ज्ञानवान है ये नहीं, तो यही दुकान से वही दुकान कुछ काम वाम है ये नहीं, तो मोटरसाइकिल मांगे दे दियो तो चखना चूर कराए ले, सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो थाने से रियाय। अगली स्थिति देखिएगा मित्रों, कि बप्पा के आशा जुड़ी रही वह आशक मटिया मेट की ही, बप्पा के आशा जुड़ी रही वह आशक मटिया मेट की ही, और पढ़ लिख कर नालायक होंगे शीला मुन्नी का सेठ की ही, और वो भी आए दिन रात चले बातें के अंत होए नहीं, तो चाहे सात जन्म निर्वंश रहा है ऐसा कुपुत्र जन्म है नहीं, और भैया महान ये हस्ती से हमारा दर्शन करवाए देव, सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो थाने से ध्याग लियो। मित्रों, अवधि की एक होली की मात्र 1.5 मिनट की रचना आप लोगों के बीच में पढ़ करके मैं चला जाऊंगा, आपके क्षेत्र का हूँ, आपका आशीर्वाद भरपूर आशीर्वाद चाहता हूँ मैं, कि आवा पावन पवित्र महीना आनंद लियो होली को, आवा पावन पवित्र महीना आनंद लियो होली कै, अब करो जुगाड़ जाए के तुम भौजी सन हंसी ठिठोली कै, 10 दिन अगवाने गौवा में पंडित आवा होली गड़ गए, और लड़के छटके कूदे लागे उनके मस्ती दूना चढ़ गए, और होलिका दहन दिन चपर हमें लड्डन के खटिया डाय दही, तो कुछ रहे मुरावे गांव के मैं आजी मचिया डाय दी, अब आजी के मचिया खातिर कुछ बलबा तगड़ा होएगा, अब आजी के मचिया खातिर कुछ बलबा तगड़ा होएगा,
आवा पावन पवित्र महीना चंदन अबीर और होली का। घरों में स्थिति देखिएगा कि क्या पकवान बनना शुरू होता है कि होली दिन गोझिया पैर किया पकवान बुआ सब बनेला। होली दिन गोझिया पैर किया पकवान बुआ सब बनेला, बालू शाही लड्डू पेड़ा और गरम इमरती छनेला। और असली लाइन कविता की अब पढ़ने जा रहा हूँ मित्रों, इस पे आप लोग तालियों का महोत्सव खड़ा करना कि कुनुआ के मुंह से लाल चुए और घर ही चक्कर काटे है तो कुछ लाल करे हम खोवा है वो जी भी लगाए चाटे है, वो जी भी लगाए चाटे है। और जोखन के दुल्हन कुछ भल भल, जोखन के दुल्हन कुछ भल भल, मैं गोझिया भूजे भूल गई और बला बुझावे चक्कर में मैं तार पकड़ के झूल गई। अब कुकुर कहे दाव लाग, अब कुकुर कहे दाव लाग, वो गोझिया लेके भाग गवा तो जोखना गुस्से की रोधी है मेहरारू जी का बाज गवा। आवा मित्रों, इसी के साथ मैं समाप्ति लेता हूँ, समय की अपनी मर्यादा है। जय हिंद जय भारत आप सभी लोगों। चलिए मैं बुलाना चाहूंगा सुरेश सैनिक जी को। जी हाँ, सुरेश सैनिक जी यहाँ पर आ जाए और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बस 5 मिनट का वक्त हमें उनसे लें। हालांकि मंच पे आने से पहले किसी ने मुझसे चैलेंज किया था कि अजीत भाई अगर आपने 5 मिनट में किसी को मौका दिया और 5 मिनट में किसी ने खत्म कर दिया तो मैं आपको 1000 रुपये इनाम दूंगा। लेकिन असफल रहा मित्र, किसी को 5 मिनट है। चलिए सैनिक जी प्रणाम श्रावस्ती, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत ही जल्दी 5 मिनट समय दिया गया सर। मैं 4 पंक्तियाँ इस महोत्सव के बारे में जो मैंने अभी भी लिखा है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक बार भरपूर ताली बजाइए मेरे घर में आज मैं पढ़ रहा हूँ करता नैमित गोंडा महोत्सव के बाद कि ये धरा है बुद्ध की प्रबुद्ध की और युद्ध की भी, ये धरा है बुद्ध की प्रबुद्ध की और युद्ध की भी, करजल सुशील इसी पर सुधा का लाल है। ये धरा है बुद्ध की प्रबुद्ध की और युद्ध की भी, चढ़ा दिया जो भारती पे बूंद बूंद रक्त की, चढ़ा गया जो भारती पे ऐसी गुरबानी सदा होती बेमिसाल है। तो महावीर संभो विभूतिनाथ के ही साथ, महावीर संभो विभूतिनाथ के ही साथ, पूर्ण भूमि सीता वाल्मीकि की मिसाल है। और धन्य धन्य जनता प्रशासन को धन्यवाद, धन्य धन्य जनता प्रशासन को धन्यवाद। श्रावस्ती महोत्सव कर दिया कमाल है, श्रावस्ती महोत्सव कर दिया कमाल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं सेना से भी 20 वर्षों से जुड़ा हूँ वायुसेना से, और उसी तरह की बात करूंगा, देशभक्ति की बात करूंगा, चेतना की बात करूंगा कि 3 रंगों से लिख दी हमने आसमान के छाती पर और नजर नोच लो बुरी पड़े जो भारत माँ की माटी पर। 3 रंगों से लिख दी हमने आसमान की छाती पर और नजर नोच लो बुरी पड़े जो भारत माँ की माटी पर। तो जन जन की बेचैनी देखे अब दिल्ली आदेश करे विजय तिरंगा फहरेगा, फिर आतंक की परिपाटी पर विजय तिरंगा फहरेगा। मेरे भाइयों को दीजिएगा। और उसी के साथ शहीदों की बात आती है, शहीदों की भूमि पर हम खड़े हैं कन्हैया सुधीर चंद चौधरी की, इस शहीदों की शहादत पर प्रतिज्ञा हम करेंगे, शहीदों की शहादत पर प्रतिज्ञा हम करेंगे, और चिताओं की लपट लेकर तपस्या हम करेंगे, बदले में दस्तर लाने से नहीं समस्या कर होगी, जीत कर लंका अयोध्या हम करेंगे, जीत कर लंका अयोध्या हम करेंगे। और जैसा आखिरी 4 पंक्तियाँ मैं अपने देश के लिए कहना चाहता हूँ सरहद की बात यहाँ पे कि खा रहे स्वदेश की और गा रहे विदेश की, जो उनको तो पक्का देशद्रोही माना जाएगा। खा रहे स्वदेश की जो गा रहे विदेश की जो उनको तो पक्का देशद्रोही माना जाएगा। और हिंदू ईसाई मुसलमान सिख भाई भाई बोलो कब तक यह गाया जाना जाएगा। तो अफजल कताब बुरहान जैसे लोगों का तो यमराज के गले में ही ठिकाना जाएगा। ओ अब्दुल हमीद अशफाक व कलाम से ही देश का मुसलमान पहचाना जाएगा। अब्दुल हमीद व कलाम अशफाक से ही देश का मुसलमान पहचाना जाएगा। और 4 पंक्तियों से बिदा लेता हूँ जो मेरे
फेसबुक से लिख दे कि गुब्बारों से छाया होगी, ये ऐसा बीमारी है। और फव्वारों से प्यार बनाना खुद से छल नादानी है। और दिल के तार जुड़े हैं जिसके पिंडी और पेशावर से। किस जुबान से कह तू आखिर दिल और हिंदुस्तानी है, किस जुबान से कह तू आखिर। और एक नंदी है, मैं मेरे भावनाओं को समझना शब्दों में बचाना। यहाँ प्रशासन शासन बैठा है कि तू बच्चे चार पैदा कर या बच्चे आठ पैदा कर, तू बच्चे चार पैदा कर या बच्चे आठ पैदा कर, वतन के वास्ते उनमें मरा जज्बा पैदा कर। तू बच्चे चार पैदा कर या बच्चे आठ पैदा कर, वतन के वास्ते उनमें मरा जज्बा पैदा कर। पढ़े इंसानियत का स्वर, रहे